दोस्तों वेलकम बैक टू माय किचन। आज हम बनाएंगे चिंगड़ी मक्खन मलाई करी। चिंगड़ी मक्खन मलाई करी बंगाल का एक ट्रेडिशनल डिश है। चिंगड़ी को इंग्लिश में प्रॉन कहा जाता है और इसको स्किन आउट करके हमने रख दिया है। अभी इसको अंदर कैसे साफ करते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। अभी प्रॉन्ट को साफ करके अच्छे से साफ कर लिया, उसके बाद मैंने वॉश करके रख दिया। अभी इसमें डालेंगे नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर लगा के 10 से 15 मिनट हम मैरिनेट करके रख देंगे। चिंगड़ी को मैरिनेट करके रख दिया था 15 मिनट। कढ़ाई गर्म हो गया, अभी इसमें डालेंगे 2 टीस्पून तेल डालेंगे, रिफाइंड ऑयल, और उसका साथ हम डालेंगे 1 पीस मक्खन। तो तेल गर्म हो गया, इस सारे तड़का डाल देंगे। तो जैसे मैंने तड़का रेडी कर लिया है और अभी मैं क्या करेंगे, जो फिश रखा था इसका अंदर डाल देंगे। तो अगर आप चाहे तो फिश को पहले से अलग से फ्राई करके फिर तड़का लगा सकते हो, बस मैंने एक ही साथ में लगा लिया है। तो इसी तेल का अंदर हम अभी पहले डालेंगे प्याज, जो मैंने ग्रेट करके रखा था, और एक मीडियम साइज का प्याज मैंने इधर डाला है, और इसका साथ साथ डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये भी एक टेबल स्पून। डालेंगे एक टोमेटो और वो मैं मिक्सी में ग्राइंड करके रख दिया है। साथ साथ डालेंगे मिर्ची पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक। ये मसाला के अच्छे से भून लेंगे। अभी चिंगड़ी मक्खन मलाई करी में आज हम पानी यूज नहीं करेंगे। पानी के जगह पे मैं नारियल का दूध से बनाएंगे, और इसके लिए मैंने एक नारियल लिया है। तो एक नारियल से आधा नारियल इधर रखा है और आधा नारियल का दूध निकल लिया है। लेकिन एक बात और बताना चाहती हूँ आप सबसे, जो नारियल का जब दूध निकलोगे तो थोड़ा हल्का गर्म पानी करके डालना। तो अभी देखिए मसाला जो है तेल छोड़ना शुरू किया है, तो अभी इसका अंदर हम डालेंगे जो प्रॉन को पहले मैंने फ्राई करके रखा था वो डाल देंगे, और 2 मिनट अच्छी तरह से इसका साथ पका लेंगे। दो मिनट हो गया, अभी हम जो नारियल का दूध बना के रखा था वो डाल देंगे। अभी 5 से 7 मिनट इसे पकाएंगे। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा ग्रीन चिली काट के डालेंगे। और 5 मिनट करीब पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे।
तो कवर ओपन करके देखेंगे और देखिए चारों तरफ से मसाला जो है तेल छोड़ना शुरू किया है। तो अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा गरम मसाला, पिसी हुई गरम मसाला डाल दिया है डाल के, और एक बार ये चलाएंगे। और ये जो रेसिपी है बंगाल का बहुत ही फेमस रेसिपी है, मतलब चिंगड़ी मलाई करी। तो मैंने इधर मक्खन ऐड किया है इसलिए मैंने नाम रखा है चिंगड़ी मक्खन मलाई करी। और ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप घर पे ज़रूर इसको ट्राई कीजिए और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट और एक वीडियो का साथ, बहुत ही बढ़िया सा डिश लेके आएंगे। तो तब तक के लिए बाय।